दोस्तों जय हो करम की, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर, और जब मैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर आया तो मुझसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी मेरे दोस्तों की और मेरी भी। तो हम लोगों ने कहा चाय पी जाए, तो मैं बोलता हूँ मुझे चाय नहीं पीनी, यहाँ की जो स्टेशन की चाय है वो बिल्कुल सही नहीं होती, वो पानी की तरह चाय होती है। तो एक ये कहेंगे एक स्टॉल वाले थे अंकल, वो बोले कि मेरे यहाँ की चाय पी के देखिए आप, आपको और स्टॉलों की तरह चाय नहीं मिलेगी, मेरे यहाँ बहुत अच्छी स्टॉल की चाय होगी। मैंने कहा अंकल अगर मौका मिला तो ज़रूर पियेंगे, मगर कल तो नहीं पी पाया था मैं उनकी चाय, मगर आज पी रहा हूँ और आज चाय पी के मैं आपको बताऊँगा कि उनकी चाय कैसी है। पहले मैं आपको स्टॉल बता देता हूँ, आप ये देखिए स्टॉल है इनकी अंकल की, आप ये देख पा रहे हैं। और इस स्टॉल पर चाय कैसे मिलती है मैं पहले पी के देखूँगा, उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू बताऊँगा कि चाय कैसी है। और अगर चाय अच्छी हो तो जब भी आप लोग दुर्गापुरा स्टेशन आते हैं तो इनकी चाय जरूर पी के जाना, मगर पहले मैं टेस्ट करता हूँ उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं ये चाय है स्टॉल की, और ये कहूँगा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए किसी को, तो मैं चाय पी का टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ कि चाय किस तरह की है। वाह, वास्तव में जब मैंने एक ही इसकी घूंट पी है तो चाय में टेस्ट है। और ये कहूँगा जो लोगों की सोच है कि स्टेशन पे चाय अच्छी नहीं होती है, वास्तव में अगर मैंने आज जो चाय पी है वास्तव पीने लायक है। अगर आप लोग जब भी रेलवे स्टेशन दुर्गापुरा पे आते हैं तो ये जो स्टॉल है इसकी चाय ज़रूर पिए। और ये कहना चाहूँगा कि सभी रेलवे स्टेशनों की चाय एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि मैंने कई स्टेशन पर देखा है कि लोग बाग ये कहते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, मगर हम लोगों को चाय पीनी चाहिए क्योंकि यहाँ की टेस्टी चाय है। और अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं और दुर्गापुरा आते हैं तो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर इनकी कितने नंबर है आपकी स्टॉल? D10 है, आप लोग ज़रूर पिए। और ये कहूँगा कहीं ना कहीं आपके चाय पीने से किसी को रोज़गार मिलेगा, उसके आजीविका चलेगी। तो दोस्तों विशेषकर आप चाय ज़रूर पी के जाएँ। करवाले मैं दुर्गापुरा स्टेशन पर D10 कैंटीन नंबर D10 अनीता देवी के नाम से है, इसमें मैं काम करता हूं और यहां की चाय बड़ी शानदार है, इसलिए हम पीने की रिक्वेस्ट करते ग्राहक। मेरी बात हुई अंकल से और अंकल ने कहा कि ये कितने साल से चला रहे हो आप ये दुकान? ये 3 साल से हैं और वास्तव में इनकी चाय पीने योग्य, ये कहेंगे टेस्टी चाय है। दोस्तों जब भी आप लोग रेलवे स्टेशन जो दुर्गापुरा का रेलवे स्टेशन है इस पर आते हैं तो अंकल की शक्ल देख लीजिए और यहाँ की चाय ज़रूर पी के जाएँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, टेस्टी लगी, आप भी ज़रूर पी के जाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों चाय के लिए ज़रूर कहें, क्योंकि चाय अपने आप में ये कहेंगे डेली का रूटीन है, तो चाय का आनंद कुछ अलग ही होता है।